Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Let's start off with part two of Whistling of Birds by D.H. Lawrence. हमने start लिया था Whistling of Birds का, उसमें आपने देखा था कि it is about winter season that is coming to an end and spring season that is about to begin. Transition के बारे में है कि जब season change होता है तो उस change को किस तरह से परसीव किया जाता है, किस तरह से उसको रिसीव किया जाता है, बाय एनिमल वर्ल्ड, बाय ह्यूमन वर्ल्ड. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने देखा वो ये है कि चेंज इज़ इमिनेंट. चेंज हर सूरत आना ही है, नेचर में चेंज आता है, और जो लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे वो बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, उनको उस चेंज को अडाप्ट करना पड़ता है. क्योंकि आपने जिस पैराग्राफ पर हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था, उस पैराग्राफ में यही था कि देर इज़ नो चॉइस, द चेंज हैज़ टू बी एक्सेप्टेड. So, moving on, paragraph number 3, page number 20. Where does it come from, the song? अब D.H. Lawrence ये question करते हैं कि वो song जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो song जो एकदम से अभी जबकि winter के effects पूरे ख़त्म नहीं हुए तो भी यहाँ वहाँ से different bushes से हमें सुनाई देता है, वो birds जिन्होंने अपने ही fellow birds की dead bodies को भुला कर नए मौसम के गाने गाना शुरू कर दिए हैं, तो उनका ये song कहाँ से आता है, वो किस तरह गा सकते हैं. आफ्टर सो लॉन्ग अ क्रूएल्टी, हाउ कैन दे मेक इट अप सो क्विकली. अब वो जो बर्ड्स की एबिलिटी है टू मूव ऑन, बर्ड्स की जो एबिलिटी टू ट्रांजिशन, टू अंडरगो अ ट्रांजिशन ईजीली है, उस पर कॉमेंट करते हुए कहते हैं कि किस तरह से इतनी जल्दी इस चेंज को बर्ड्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, और किस तरह से वो इतने क्विकली एक स्प्रिंग का सॉन्ग लेकर आ गए हैं. हालांकि अभी तक जो विंटर के अट्रोसिटीज़ थे, जो विंटर के जुल्म थे, उनके निशानात अभी बाकी हैं. बट इट बबल्स थ्रू देम, दे आर लाइक लिटिल वेल हेड्स, लिटिल फाउंटेन हेड्स, व्हेंस द स्प्रिंग ट्रिकल्स एंड बबल्स फोर्थ. लेकिन राइटर ये कहते हैं कि जहाँ से भी, जिस तरह से भी उन्होंने अपने आप को आमादा किया, लेकिन वो ये सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं, ये गाने गुनगुनाए जाते हैं, और वो बर्ड्स को कंपेयर करते हैं लिटिल वेल हेड्स, लिटिल फाउंटेन हेड्स से. वो ये कंपैरिजन करते हैं कि ये जो परिंदे हैं, इनके सीने, इनके दिल जो हैं, वो छोटे छोटे कुएं हैं, छोटे छोटे सोर्सेज ऑफ दिस म्यूज़िक हैं. जैसे एक कुएं से, एक चश्मे से पानी उबल उबल के बाहर आता है, इस तरह इनके दिल से, इनकी सोल से ये म्यूज़िक उबल उबल के बाहर आता है, और इसी वजह से वो इस चेंज को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, और इसी वजह से वो ये गाना गाते हैं और अपना गाना सारे लोगों को, सबको सुनाते हैं. इट इज़ नॉट ऑफ देयर ओन डूइंग. और इसमें सबसे सिग्निफिकेंट बात क्या है कि ये खुद ये गाना बनाते नहीं हैं. इट्स नेचर, इट्स समथिंग नेचुरल टू देम, उनकी एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, उनकी खसलत में शामिल है ये कि जब मौसम बदले तो उन्होंने हर सूरत गुनगुनाना है. और चूंकि उनकी खसलत का, उनकी नेचर का यह हिस्सा बना दिया गया है, इसलिए वो लाशौरी तौर पर, अनकॉन्शियसली, जैसे ही मौसम बदलता है तो वो अपना ये जो गाना है, ये गाना शुरू कर देते हैं. इन देयर थ्रोट्स द न्यू लाइफ डिस्टिल्स इटसेल्फ इनटू साउंड. और फिर बड़ी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन देते हैं कि इन्हीं परिंदों के थ्रोट्स में, इन्हीं परिंदों की आवाज़ों में, इन्हीं परिंदों के हलक से ज़िंदगी, नई ज़िंदगी सामने आती है, नई ज़िंदगी अपने आप को मंजर आम पर लाती है. लाइफ कम्स फोर्थ थ्रू देयर थ्रोट्स. इट इज़ द राइजिंग ऑफ सिल्वरी सैप ऑफ अ न्यू समर गर्गलिंग इटसेल्फ फोर्थ. और यूँ लगता है जैसे इनके गले से, इनके मुंह से उबल उबल कर एक नई ज़िंदगी बाहर आ रही है. यानी इस नगमे के साथ सिर्फ एक आवाज़ नहीं सामने आ रही, बल्कि एक नई ज़िंदगी की नवीद सामने आ रही है, और एक नई उम्मीद सामने आ रही है. यानी यूँ लगता है जैसे इनके छोटी छोटी हल्की फुल्की धीमी धीमी आवाज़ों में एक नई उम्मीद का एक सैलाब है जो हवा में फैलता चला जा रहा है. और जो जो कोई, एक कंटेजियस किस्म की होप है, एक कंटेजियस पॉजिटिविटी है, जो जो भी इस नगमे को सुनता है वो इस पॉजिटिविटी, इस उम्मीद के साथ जुड़ता चला जाता है. All the time, whilst the earth lay choked and killed and winter mortified, the deep undersprings were quiet. अब वो कहते हैं कि वो तमाम टाइम जब सर्दी, जब
ज़मीन क्या थी, चोक थी, ज़मीन का दम घुटा हुआ था, मुर्दा पड़ी थी, विंटर मॉडिफाइड सर्दी की वजह से, ठंड के ज़ेर असर पड़ी थी। तो ये भी सारे जो अंडर स्प्रिंग्स हैं, ये जो झरने हैं, ये जो मौसीकी के छोटे छोटे झरने हैं, ये भी खामोश थे। दे ओनली वेट फॉर द पॉन्डरस एनकम्ब्रेंस ऑफ द ओल्ड ऑर्डर टू गिव वे, यील्ड इन द थॉ, एंड देयर दे आर अ सिल्वर रैम एट वंस। और वो परिंदे क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि वो जो ओल्ड ऑर्डर है, वो जो ठंड का गलबा है, वो ख़त्म हो। और जैसे ही वो थॉ करना शुरू करे, जैसे ही वो ठंड पिघलना शुरू करे, बर्फ़ पिघलना शुरू करे, तो फ़ौरन से वो अपने ये जो सिल्वरी स्ट्रीम्स हैं, अपनी ये जो खूबसूरत आवाज़ें हैं, इनसे बदलते हुए मौसम के नए रंगों के और उम्मीद के नगमे गाना शुरू कर दें। Under the surge of ruin, unmitigated winter, lies the silver potentiality of all blossom. One of the most beautiful lines of this entire essay and one of the most positive messages, कि सर्दी की, ठंड की जो तबाही है, उस ही के नीचे हर ब्लॉसम का पोटेंशियल होता है, हर बहार का बीज, हर बहार की उम्मीद, हर बहार की खबर कहाँ मौजूद होती है, सर्दी की बर्फ़ की तह में। यानी जो बर्फ़, जो ठंड बज़ाहिर चीज़ों को मुर्दा कर रही होती है, उसी बर्फ़ की, उसी ठंड की तह में अगली बहार का बीज, अगली बहार की उम्मीद भी मौजूद होती है। वन डे द ब्लैक टाइड मस्ट स्पेंड इटसेल्फ एंड फेड बैक। और विंटर कभी भी इटर्नल नहीं होता। ये जो ब्लैक टाइड है, ये जो एक अंधेरी लहर आती है सर्दी की, एक ना एक दिन इस टाइड को फॉल बैक करना होता है, एक ना एक दिन इसको फेड अवे करना होता है। जितनी भी ये टाइड ऊंची हो जाए, एक ना एक दिन इसने शैटर करना होता है। और जब ये अपने जवाल की तरफ चलती है, जब सर्दी का ज़ोर टूटना शुरू करता है, तो तब स्प्रिंग के कलर्स और स्प्रिंग के साउंड्स सामने आना शुरू हो जाते हैं। Then all suddenly appears the crocus, hovering triumphant in the rear, and we know that the order has changed. There is a new regime, sound of a new weave. और यहाँ पर अब वो क्या कहते हैं? और जैसे ही ये ब्लैक टाइड फेड करती है, जैसे ही सर्दी का जोर टूटता है, तो अचानक से क्रोकसेस सामने आते हैं। क्रोकस क्या है? ये फ्लावर्स हैं स्प्रिंग सीजन के फूल खिलने लगते हैं, रंग बिखरने लगते हैं, और परिंदे अपने गीत गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। और हर तरफ न्यू वीव यानी लाइफ की, ज़िंदगी की एक आवाज़ आती है, और वही लॉन्ग लिव द वर्ल्ड का जो नारा है, वो दोबारा से सुनाई देता है। इट इज़ नो यूज़ एनी मोर टू लुक एट द टॉर्न रेमनेंट्स ऑफ बर्ड्स दैट लाई एक्सपोज्ड। और फिर एक बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस डीएच लॉरेंस क्या कहते हैं, कि जब आपको नए रंग दिखाई देने लग पड़े, जब आपको बाहर के रंग और बाहर की आवाज़ें दिखाई और सुनाई देने लग पड़े, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़, बिल्कुल बेफ़ायदा है कि आप वो जो सर्दी की वजह से मरे हुए परिंदे हैं, उनकी लाशों को देखते रहें। यानी यू ऑलवेज हैव टू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स। देर इज़ नो यूज़ लुकिंग बैक एट द पेनफुल पास्ट। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लुक एट द पॉजिटिव फ्यूचर। माजी की तलखी को पकड़े रहने से ज़िंदगी में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। बहुत बेफ़ायदा सी कोशिश है ये कि आप माजी की तलखी को पकड़े रखें और आगे आने वाली उम्मीद के नगमों को ना सुने और रोशनी को ना देखें। तो इसीलिए वही कहते हैं कि परिंदों की स्ट्रैटेजी इसीलिए कामयाब है। परिंदे जल्दी नगमे इसीलिए गुनगुनाने लग पड़ते हैं क्योंकि उनकी नज़र नई बहार पर होती है। वो गुजरी हुई सर्दी और उसके ढाए हुए मजालिम की तरफ नहीं देखते, वो परिंदों की लाशों की तरफ नहीं देखते, बल्कि वो बदलते हुए मौसम, फैलती हुई रोशनी और नए खिलते हुए फूलों के रंगों को देख रहे होते हैं। इसी वजह से उनके अंदर ये कैपेसिटी आती है कि वो जल्दी से अडाप्ट कर लेते हैं इस चेंज को और इस चेंज के नगमे गाना शुरू कर देते हैं। इट इज़ नो लॉन्गर एनी यूज़ रिमेंबरिंग द सलन थंडर ऑफ फ्रॉस्ट एंड द इनटॉलरेबल प्रेशर ऑफ कोल्ड अपॉन अस। फॉर वेदर वी विल और नॉट, दे आर गॉन, द चॉइस इज़ नॉट आवर्स। और फिर दोबारा वही सजेशन देते हैं डीएच लॉरेंस, कि सर्दी की वो जो बर्फ़ थी, उस बर्फ़ का जो प्रेशर था, वो जो ठंड थी, माजी में जो कुछ भी हो चुका, उसको देखते रहने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। फॉर वेदर वी विल और नॉट, दे आर गॉन। हम चाहे उस सर्दी को, उस सर्दी के असरात को भी पकड़ के बैठे रहें, हम चाहे गुजरे हुए मौसम को कितना ही अरसा अपने साथ चिपकाए क्यों ना रखें, लेकिन सच ये है कि वो मौसम गुजर चुका है और ये चॉइस हमारी नहीं है। यानी हम अपनी पसंद के मौसम को अपने ऊपर तारी नहीं रख सकते, हम खुशी या गम को बहुत देर तक अपने साथ चिपकाए नहीं रख सकते। जो फेज़ गुजर गया है, वो फेज़ गुजर गया है। एंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ टू मूव ऑन विद दैट पास्ट फेज़। जो फेज़ गुजर चुका है,
उससे आगे बढ़ जाना, उसके साथ आगे चल पड़ना, नेचर के फ़्लो का हिस्सा बन जाना ही अक्लमंदी है। इस फ्लो के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन बनने की कोशिश करना कोई फ़ायदा इसलिए नहीं देती क्योंकि इंसान और नेचर का कोई मुकाबला नहीं है। We may remain wintry or and destructive for a little while longer if we wish, but the winter is gone out of us, and willy-nilly our hearts sing a little at sunset. और अब वो क्या कहते हैं डीएच लॉरेंस कि हम चाहें तो कुछ देर विंट्री रह सकते हैं, हम चाहें तो उस तबाही के मौसम का वो जो तबाही वाला रंग है उसको कुछ देर अपने ऊपर मजीद तारी रख सकते हैं, हम चाहें तो जो लम्हा गुजर गया है उसकी उदासी को कुछ देर और अपने साथ चिपकाए रख सकते हैं, लेकिन विंटर जा चुका है और हम ज़बरदस्ती उसको बहुत देर तक अपने साथ ड्रैग नहीं कर सकते। जैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि कुछ लोग सैडनेस को, कुछ लोग सोरो को प्रोलॉन्ग करते हैं, सैडनेस गुजर भी जाए तो भी वो उसको अपने साथ चिपकाए रखते हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, लेकिन जो सोरो गुजर चुका है, जो गम गुजर चुका है उसको साथ लिए लिए फिरने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी की स्ट्रैटेजी यही है कि यू हैव टू मूव ऑन, लाइफ गोज़ ऑन एंड यू हैव टू मूव ऑन विद लाइफ। सो डीएच लॉरेंस के ख्याल में थोड़ी देर और विंट्री रहा जा सकता है, थोड़ी देर और वो डिस्ट्रक्टिव मूड, वो सैडनेस, वो नॉस्टैल्जिया, वो सैडनेस, वो व्हाट वुड यू से ग्लूम अपने ऊपर तारी किया जा सकता है, लेकिन बहुत देर नहीं क्योंकि ज़िंदगी इंतज़ार नहीं करती। ज़िंदगी को या नेचर को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लोगों के दरमियान में एक शख्स ऐसा है जो ये चाहता है कि विंटर और उसकी सैडनेस हमेशा रहे। नेचर डज नॉट स्टॉप फॉर एनीबडी, लाइफ डज नॉट स्टॉप फॉर एनीबडी, सो द बेटर प्लान इज़ टू मूव ऑन विद लाइफ। और ये कि हमारे जो दिल हैं, विली नीली आर हार्ट सिंग लिटल एट सनसेट, के बज़ाहिर हम उस ठंड के मौसम को, उस सैडनेस को अपने ऊपर तारी किए भी रखें, लेकिन जो परिंदों की पॉजिटिविटी है वो कंटेजियस है, और जब हम परिंदों को चहचहाते हुए सुनते हैं और फूलों को खिलते हुए देखते हैं तो हमारा दिल आखिरकार उस सारे मौसम के साथ गुनगुनाने लग जाता है। Even whilst we stare at the ragged horror of the birds scattered broadcast, part eaten, the soft, uneven cooing of pigeon ripples from the outhouses, and there's a faint silver whistling in the bushes come twilight. अब वो क्या कहते हैं कि even whilst we stare at the ragged horror of the birds, यानी अभी भी बेशक परिंदों की चीथड़े हुए हुई लाशें हमारे सामने पड़ी हैं और हम उनको देखते हैं, scattered broadcast जो आम सामने फैले हुए हैं, part eaten, आधी खाई हुई, आधी गली सड़ी हुई, uneven cooing, the soft uneven cooing of pigeon ripples from the outhouses, यानी एक तरफ जहाँ परिंदों की लाशें पड़ी हैं वहीं पर जो जिंदा परिंदे हैं उनकी खूबसूरत आवाज़ें भी कहीं ना कहीं से हमें दूर से सुनाई दे रही होती हैं। यहाँ पर ये जो कंपैरिजन है ऑफ द डेड बर्ड्स एंड द लिविंग बर्ड्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देर आर टू ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स एंड विच वन इज़ नॉट मूविंग ऑन, जो डेड हैं। बदलते हुए मौसम के साथ सिर्फ वही नहीं बदल रहे जो मुर्दा हैं, जो ज़िंदा हैं उनके लिए लाजमी है कि वो बदलते हुए मौसम के साथ बदलें, उनके पास चॉइस नहीं है लिहाजा वो बदल जाते हैं। तो एक तरह से डीएच लॉरेंस इंसानों को भी इनक्रेज कर रहे हैं कि दे शुड टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द बर्ड्स एंड दे शुडंट प्रटेंड टू बी डेड लाइक द डेड बर्ड्स। मौसम बदलते मौसम के साथ ना बदलना डेड परिंदों के साथ मिलने जैसा है। तो डीएच लॉरेंस के ख्याल में इंसानों को ये करना चाहिए कि दे शुड बी लाइक द लिविंग बर्ड्स हु आर अलाइव। और अलाइव होने की भी एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिलती है कि ज़िंदा होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यू ब्रीद एंड यू ईट एंड यू स्लीप। बीइंग अलाइव मींस बीइंग अलाइव टू लाइफ, बीइंग अलाइव टू नेचर, बीइंग अलाइव टू एक्सपीरियंस। जो कुछ आपके आसपास है उसको एक्सपीरियंस करना ज़िंदा होना है। जब तक आप उस एक्सपीरियंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तब तक आप अलाइव नहीं हैं। बीइंग अलाइव मींस एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ। यू कैन नॉट बी एन आउटसाइडर टू लाइफ एंड क्लेम टू बी अलाइव। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ज़िंदगी से परे हट के बैठ जाऊं और फिर भी जिंदों में नाम लिखवा लूं। जिंदों में नाम लिखवाने के लिए ज़िंदगी के सारे कलर्स को, ज़िंदगी के सारे फेजेस को और ज़िंदगी के सारे चेंजेस को एम्ब्रेस करना लाजमी है। नो मैटर वी स्टैंड एंड स्टेयर एट द टॉर्न एंड अनसाइटली रुइंस ऑफ लाइफ, वी वॉच द वेरी म्यूटिलेटेड कॉलम्स ऑफ विंटर रिट्रीटिंग अंडर आर आईज, येट इन आर इयर्स आर द सिल्वर बगल्स ऑफ अ न्यू क्रिएशन एडवांसिंग ऑन अस फ्रॉम बिहाइंड, वी हेयर द रोलिंग ऑफ द सॉफ्ट एंड हैप्पी ड्रम्स ऑफ द डव्स। अब यहाँ पर एक कंपेरिजन है और एक मैसेज भी अगैन कि हमारी आँखें अभी तक
विंटर की फैलाई हुई तबाही को देख रही हैं, जो टॉर्न अनसाइटली रुइंस हैं, जो अनप्लेजेंट साइट है, वो जो नज़ारा है जो देखने में इतना खूबसूरत नहीं है, हमारी आंखों के सामने भी वही है। यानी आंखों के सामने भी विंटर की तबाही का मंजर है। हम विंटर को हारते हुए भी देख रहे हैं, लेकिन जो तबाही उसने अपने पीक टाइम पर की उस तबाही को भी देख रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इन आर ईयर्स आर द सिल्वर बगल्स ऑफ अ न्यू क्रिएशन एडवांसिंग ऑन अस। एक तरफ हमारी आंखें सर्दियों की फैलाई हुई तबाही को देख रही हैं, तो दूसरी तरफ हमारे कानों में वो जो नया मौसम, जो उम्मीद है, जो ज़िंदगी है, उसके शादियाने भी बज रहे हैं, वो जो परिंदे गुनगुना रहे हैं। यानी आंखों के सामने वो मंजर है जो माजी का हिस्सा बनने जा रहा है, और कान में वो आवाज़ सुनाई दे रही है जो मुस्तकबिल की आवाज़ है। और चॉइस हमारे पास है, चॉइस हमारे पास एक तरह से है भी और नहीं भी। यानी हम कुछ देर के लिए, फॉर सम टाइम हमारे पास, जैसे पहले भी उन्होंने कहा कि फॉर सम टाइम वी कैन स्टे विंट्री, कुछ देर के लिए हमारे पास ये चॉइस है कि हम जो कान में सुनाई दे रहा है उसको पसे पुश डालकर, जो आँख के सामने दिखाई दे रहा है उसको प्रेफर करें और विंट्री रहें और सैड रहें और ग्लूमी रहें। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा जो आँख के सामने वाला मंजर है वो ट्रांसफॉर्म करता जाएगा, और जो कान में आने वाली स्प्रिंग की आवाज़ है वो ऊँची होती जाएगी, और अल्टीमेटली स्प्रिंग विल डिफीट विंटर। सो चेंज आके रहेगा, चेंज में टाइम भी लगेगा, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम या तो बर्ड्स की तरह फ़ौरन से उसको एम्ब्रेस कर लें, या वी गिव इट सम मोर टाइम, बट द चेंज वॉन्ट स्टॉप, इट हैज़ टू हैपन एंड इट विल हैपन। वी मे नॉट चूज द वर्ल्ड, वी हैव हार्डली एनी चॉइस ऑफ आर फॉर आर सेल्व्स। फिर वही बात दोबारा से कि हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं, हमारे पास चॉइस नहीं है। हम चाहें भी तो अपनी आँख के सामने वो जो उदास सा मंजर है उसको रोक नहीं सकते, बाहर ने हर सूरत आना ही है। वी फॉलो विद आर आइज़ द ब्लडी एंड हॉरिड लाइन ऑफ मार्च ऑफ एक्सट्रीम विंटर एज इट पैसेज अवे। आँखों के सामने वो जो सर्दी की फौज की तबाही है हम वो देखते हैं, वो जो एक मौत का मंजर, एक ब्रूटैलिटी जो सर्दी ने गुजारी है हम उसको देखते हैं। बट वी कैन नॉट होल्ड बैक द स्प्रिंग, लेकिन बेशक हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने सर्दी की फैलाई हुई तबाही मौजूद हो, हम बाहर को आने से नहीं रोक सकते। एंड दिस गोज नॉट जस्ट फॉर द सीजन्स, इट इज़ फॉर एवरी पॉजिटिव थिंग। ये हर शख्स पे अप्लाई करता है, ये हर ज़िंदगी पे अप्लाई करता है, ये हर वाक़े पे अप्लाई करता है। हम इंटेंशनली किसी भी चीज़ को चेंज होने से रोक नहीं सकते, हम होल्ड बैक नहीं कर सकते हैं। थिंग्स हैव टू चेंज, वी हैव टू अडैप्ट टू दैट चेंज, एंड थिंग्स हैव टू मूव ऑन। वी कैन नॉट मेक द बर्ड साइलेंट, प्रिवेंट द बबलिंग ऑफ द वुड पिजन्स। हम खुद को तो शायद रोक सकते हैं कुछ देर, बाहर को देखने से, बाहर को महसूस करने से, बाहर को सेलिब्रेट करने से, लेकिन हम बर्ड्स को नहीं रोक सकते। हम अगेन द सेम थिंग कि हम एक खुशगवार मंजर से अपनी आंखें तो बंद कर सकते हैं, लेकिन हम उसके खुशगवार होने को डिसरप्ट नहीं कर सकते। और हमारी आंखें बंद करने से सिर्फ हमें फ़र्क पड़ेगा, उस मंजर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी कैन नॉट स्टे द फाइन वर्ल्ड ऑफ सिल्वर फीकन क्रिएशन फ्रॉम गैदरिंग इटसेल्फ एंड टेकिंग प्लेस अपॉन अस। वो जो कुदरत का प्रोसेस है दोबारा से चीज़ों को रिवाइव करने का, रिजुविनेट करने का, हम उसको नहीं रोक सकते। चीज़ें दोबारा से बहाल होंगी, बाहर आएगी, और वो बाहर हर तरफ फैल जाएगी, और जब वो हर तरफ फैल जाएगी तो वो बाहर हम पे भी आ जाएगी। हम अपने ऊपर बाहर को तारी होने से भी नहीं रोक सकते। यानी हमारे वो जो अगेन द सेम थिंग कि नेचर हैज़ इट्स ओन कोर्स, एंड सिंस वी बिलोंग टू द नेचुरल वर्ल्ड, सो वी हैव टू आइदर अडैप्ट टू दैट प्रोसेस, दैट चेंज, और वी विल हैव टू सब्ड्यू बिफोर इट। या तो हम अपनी मर्जी से उसका हिस्सा बन जाएंगे, या वो जो तब्दीली का, बहार का, रंगों का, कुदरत का एक रेला है, वो हमें साथ बहा के ले जाएगा। वेदर वी लाइक इट और नॉट, वेदर वी वॉन्ट इट और नॉट, इट हैज़ टू हैपन एंड इट विल हैपन। Whether we will or not, the Daphne tree will soon be giving off perfume, the lamps dancing on two feet, the calendines will twinkle all over the ground, there will be a new heaven and a new earth. यानी हम चाहें या ना चाहें, फिर से झरने फूटेंगे, फिर से जानवर घूमना फिरना शुरू करेंगे, परिंदे चहचहाएंगे, फूल खिलेंगे, और फूलों से खुशबू आएगी। हमारे चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करके अपने लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ढूंढें, बजाय इसके कि हम इस सोर्स ऑफ हैप्पीनेस के अगेंस्ट चलने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे नेचर की ऑपोजिशन में आने का कोई खास फ़ायदा नहीं है। नेचर को हमारी ऑपोजिशन से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, नेचर हैज़ इट्स ओन कोर्स,
which always prevails, which always wins. So the better strategy is to go with the flow. और इसके बाद फिर एक कंपैरिजन है दो काइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स का भी, बाहर सिफ्त लोगों का और फिजा सिफ्त लोगों का. फिजा एज इन यहाँ पर उसको विंटर से कंपेयर किया गया है कि फॉर इट इज़ इन अस एज वेल एज विदाउट अस, दोज हु कैन मे फॉलो द कॉलम्स ऑफ विंटर इन देयर रिट्रीट फ्रॉम द अर्थ. एक ग्रुप ऐसा भी है जो शायद ज़मीन से किनारा कश हो जाएं, इंसानों से दूर हो जाएं, कुदरत से दूर हो जाएं और वही सर्दी का मौसम अपने ऊपर तारी किए रखें. लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं. सम ऑफ अस, हम में से कुछ ऐसे भी हैं हु वी हैव नो चॉइस, द स्प्रिंग इज़ विद इन अस. यानी कुछ इंसान ऐसे हैं जो जिनके अंदर, जिनकी सोल का, जिनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा ये है कि वो विंटर के साथ अटैच कर लेते हैं खुद को. वो थ्रू आउट द ईयर उस विंट्री फीलिंग, उस विंट्री ग्लूम के साथ चलते हैं. लेकिन इसी तरह से कुछ बाहर सिफ्त लोग भी हैं और वो लोग हैं जिनके बस में खिजां जैसा होना नहीं है, जिनके बस में, जिनके इख्तियार में ये नहीं है कि वो विंटर वाले उस ग्लूम को अपने ऊपर तारी किए रखें, क्योंकि स्प्रिंग इज़ विद इन अस, उनके अंदर बहार है. चूँकि उनके अंदर बहार मौजूद है लिहाजा वो बाहर की बहार के साथ जल्दी ट्यून इन करते हैं, जल्दी जेल इन करते हैं और वो बहार को जल्दी अपना लेते हैं, अपने ऊपर जल्दी तारी कर लेते हैं. द सिल्वर फाउंटेन बिगिंस टू बबल अंडर आवर ब्रेस्ट, देयर इज़ ग्लैडनेस इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स. और जैसे ही बाहर बहार की अलामतें नज़र आती हैं तो उन इन लोगों के सीनों से भी वही सिल्वरी झरने, वही सिल्वरी होप, सिल्वरी लाइट, सिल्वरी म्यूज़िक उभरना शुरू हो जाता है और अनकॉन्शियसली, अननोइंगली वो जो बाहर की बहार है वो उसका हिस्सा बन जाते हैं. एंड ऑन द इंस्टेंट वी एक्सेप्ट द ग्लैडनेस, और वो एक लम्हे में खुशी को एक्सेप्ट कर लेते हैं. दिस इज़ वेयर वी स्टॉप फॉर टुडे एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एसे विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर द नेक्स्ट डे. एंड If you look back at what we've done today, हमने आज क्या देखा है, वही जो एक comparison है basically. पहले comparison था human और animal world का कि किस तरह से birds respond करते हैं change को और किस तरह से humans respond करते हैं. और इस मरतबा ये comparison है, यानी उन लोगों का comparison, कुछ लोग जो जल्दी से change को accept कर लेते हैं, कुछ लोग जो उसमें time लेते हैं. और again दोबारा से वही आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है कि ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव अ चॉइस एंड दैट नेचर ऑलवेज प्रिवेल्स. नेचर का जो ड्यू कोर्स है वो रन करता है अपने आप को थ्रू द थिंग्स एंड पीपल एंड ऑल द लिविंग वर्ल्ड हैज़ टू अडेप्ट टू दैट चेंज एंड द चेंज इज़ इमिनेंट. सो द बेटर स्ट्रैटेजी इज़ टू चेंज विद द चेंज रादर देन ट्राइंग टू स्टॉप द चेंज. दिस इज़ वेयर वी स्टॉप. And the part 3